गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS फार्मा ट्यूटर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटीवायरल ड्रग्स को। तो ये कीमोथेरेपी यूनिट का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 पार्ट कवर कर लिए हैं 7 वीडियोस में, और लगभग हमने कीमोथेरेपी यूनिट को कंप्लीट ही कर लिया है। तो उन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो अगर आपने किसी भी पार्ट को नहीं देखा है तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स क्या हैं? ऐसी ड्रग जो कि वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाए उन्हें एंटीवायरल ड्रग्स कहा जाता है। अब जो ये वायरस हैं वो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं और उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि अभी चल रहा है ना कोरोना वायरस, तो क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। सेम वैसे ही जो ये वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से बहुत अलग होते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो क्या अलग होता है उनमें, उसे पढ़ लेते हैं हम। तो वायरस क्या है, एक स्पेशल पैथोजन है और वो एक इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। इंट्रासेल्युलर पैरासाइट का मतलब कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल के अंदर ही डेवलप होते हैं, मतलब कि इनकी खुद की कोई सेल नहीं होती डेवलप होने के लिए। अब जैसे बैक्टीरिया में क्या था, उन एक सेल थी जिसके अंदर वो अपना ही प्रोटीन बना रहे थे, अपना ही डीएनए बना रहे थे, सब चीज़ें उनकी खुद की ही थी और वहीं से उनकी क्या है रिप्रोडक्शन होने लग रही थी और वो बढ़ने लग रहे थे। बट इस केस में क्या है, वायरस में उनके पास कोई भी सेल बॉडी नहीं रहती, वो होस्ट सेल जो होती है उसकी सेल को यूज़ करते हैं रेप्लिकेट करने के लिए, बढ़ने के लिए। तो इंट्रासेल्युलर पैरासाइट का मतलब यही होता है कि जो कि सेल के अंदर जा करके डेवलप करें। ये खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इन्हें होस्ट सेल की प्रोटीन डीएनए आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेट करने का मतलब क्या होता है, हूबहू अपनी नकल तैयार करना, अपनी कॉपी तैयार करना, मींस की ग्रो करना। तो इन्हें होस्ट सेल जो होती है जिसमें जाकर के इन्होंने अटैक करा है उसमें से प्रोटीन डीएनए आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है। जो वायरस होता है उसका जो एनवेलप होता है वो एंटीजेनिक होता है नेचर में, मींस की वो एंटीबॉडी रेडी कर लेता है तुरंत के तुरंत। मींस की अगर आपने कोई भी ड्रग दी उसे तो वायरस क्या करेगा, फटाफट से उसके खिलाफ एंटीबॉडी रेडी कर लेगा और उसे काट देगा, हरा देगा, जो जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। तो डिफिकल्ट टू किल बिकॉज दे लिव इनसाइड द सेल। अब इन्हें मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि ये होस्ट सेल के अंदर ही हैं, वहीं पर रेप्लिकेट करने लग रहे हैं, वहीं बढ़ने लग रहे हैं, उसी के प्रोटीन डीएनए आरएनए को यूज़ करने लग रहे हैं, इनकी खुद की कोई सेल नहीं है। मीन्स कि अगर आप इन्हें मारोगे तो क्या है, होस्ट की जो सेल है वो भी डेड होने लग रही है, वो भी मरने लग रही है। तो इन्हें किल करना क्या है, मुश्किल होता है। ये जो वायरस है वो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म में मल्टीप्लाई होते हैं। इनकी डायग्नोसिस क्या है, थोड़ी मुश्किल होती है और लेट सिम्टम्स अपीयर होते हैं, इसलिए लेट डायग्नोसिस होती है, जिसकी वजह से क्या है बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी होती है, इनकी रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है उस टाइम तक। जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं उनका काम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि इन्हें मारना आसान नहीं होता। तो जो वायरल एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो इन्हें मारती नहीं हैं, सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकती हैं, इनकी ग्रोथ को रोकती हैं। और जो अभी करंट में एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ हो रही हैं वो जो पुराने नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस हैं या लेटेंट इन्फेक्शन है, जो पुरानी इन्फेक्शन है, उनके लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो दो क्लास है एंटीवायरल ड्रग्स की मेनली, तो वो कौन कौन सी है उन्हें पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो क्लासिफिकेशन दिख रही होंगी, एंटी रेट्रोवायरस ड्रग जो कि पर्टिकुलरली रेट्रोवायरस के खिलाफ दी जाती हैं, और ये है एंटीवायरल ड्रग्स फॉर नॉन रेट्रोवायरल, जो कि रेट्रोवायरस के अलावा नॉन रेट्रोवायरसेस की वजह से जो भी इन्फेक्शन हो जाती है उनके लिए दिया जाता है। तो रेट्रोवायरस अब होता क्या है, रेट्रोवायरस होते हैं ग्रुप ऑफ आरएनए वायरसेस को कहा जाता है, मीन्स कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं ये। इनकी पहचान क्या है, इनके पास एक एंजाइम पाया जाता है जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा जाता है, और उस एंजाइम का काम क्या है, उस एंजाइम का काम है आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना, और यही एंजाइम सारा का सारा कमाल करता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देता है और उसी डीएनए की रिक्वायरमेंट है इस वायरस को। अब ये वायरस क्या करेगा, उस डीएनए की कॉपी को होस्ट सेल में डाल देगा और वही डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। आगे क्या है, सेम टू सेम और कॉपीज बनने लग जाएंगी और धीरे धीरे क्या है वायरस बॉडी में फैलने लग जाएगा। इनकी क्लासिफिकेशन को देखें
नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है जिन्हें NRTIs कहते हैं, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जिन्हें NNRTIs कहते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर, इजी एंट्री इनहिबिटर, CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, इंटीग्रेस इनहिबिटर, इन सबका क्या है यूज किया जाता है। सेम ऐसे ही नॉन रेट्रोवायरल जो ड्रग्स है उनमें एंटी हर्पीज वायरस ड्रग, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग, एंटी हेपेटाइटिस वायरस जिसे नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स भी कहा जाता है, ये फॉर हेपेटाइटिस बी और फॉर हेपेटाइटिस सी होती हैं ये ड्रग्स, तो इन दोनों के लिए होती है। इनकी ड्रग्स के बारे में आप पढ़ लेना, इनके नाम पढ़ लेना। हम सीधे आते हैं नॉन रेट्रोवायरस से में कौन कौन सी ड्रग यूज होती है और उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ए साइक्लोवीर और कंजेनर्स का यूज किया जाता है, ये सारे के सारे ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं, ग्वानोसिन की तरह दिखाई देते हैं, और इसमें वेलासाइक्लोवीर और फेमसिक्लोवीर आगे ये कुछ प्रोड्रग हैं जो कि ए साइक्लोवीर की प्रोड्रग है और पेनसिक्लोवीर की प्रोड्रग है। तो ये ग्वानोसिन की तरह दिखाई देते हैं, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड की तरह। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एक प्रोड्रग है अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसको फॉस्फोराइलेशन की नीड होती है एक्टिवेशन के लिए। मैंने इससे पहले वीडियोज में बता रखा है आपको कि प्रोड्रग क्या होती है। तो फॉस्फोराइलेशन के बाद जो ए साइक्लोवीर है वो ए साइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में चेंज हो जाती है, और कौन सा एंजाइम इसे चेंज करता है, वायरल थायमाडीन काइनेज एंजाइम इसे ए साइक्लोवीर से ए साइक्लोवीर मोनोफॉस्फेट में चेंज करता है। देन ये ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट में चेंज होती है जो कि होस्ट सेल काइनेज एंजाइम के थ्रू होती है, और ये जो ए साइक्लोवीर ट्राइफॉस्फेट है वो जाकर के HSV को इनहिबिट करता है और DNA पॉलीमरेसिस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे फर्दर DNA की सिंथेसिस नहीं हो पाती और DNA वगैरह का जो सिंथेसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है। HSV की फुल फॉर्म क्या है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, तो ये जाकर के या तो इसे इनहिबिट करेगी या फिर स्पेसिफिकली उसके जो DNA पॉलीमरेस है उसको जाके इनहिबिट करेगी। तो इस तरीके से ये DNA सिंथेसिस को रोक देती है। इनके थेरेपिटिक यूज की बात की जाए तो HSV अभी मैंने बताया, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जेनाइटल म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन में यूज की जाती है, HSV एनसीफेलाइटिस केराटाइटिस में यूज की जाती है, हर्पीस जोस्टर चिकन पॉक्स में यूज की जाती है, HSV इन्फेक्शन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन। ऐसे ही गैनसिक्लोवीर का यूज किया जाता है, ये इस ड्रग का यूज किया जाता है CMV यानी कि साइटोमेगालोवायरस की वजह से रेटिनाइटिस हो गया किसी पेशेंट को, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं जब भी उनकी किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट होती है तो उनकी इम्यूनिटी तो कमी है तो उनमें जाकर के ये वायरस अटैक कर देता है। प्रिवेंशन ऑफ CMV डिजीज इन ट्रांसप्लांट पेशेंट इनमें यूज किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या देखे जाते हैं इनके, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया कॉज करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, क्रिस्टल यूरिया, हिमेचो यूरिया, रेनल इनसफिशियंसी, मीलोसप्रेशन, न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ये सब कोज करते हैं। आगे बढ़ते हैं विडाराबीन में, विडाराबीन जो है एक न्यूक्लियोसाइड है, एडेनोसिन एनालॉग है, ये एडेनोसिन की तरह दिखाई देती है, ये जो ड्रग है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होती है ट्राइफॉस्फेट एनालॉग में, जो कि वायरस के DNA पॉलीमरेज को जाकर के इनहिबिट करता है और DNA की सिंथेसिस नहीं होने देता। ट्राइफ्लुरिडीन जो है ये एक पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, यानी कि पायरिमिडीन की तरह दिखाई देता है, ये भी DNA सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। सेम वैसे ही फॉस्कार्डनेट है, ये एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट एनालॉग है जो कि अनरिलेटेड टू एनी न्यूक्लिक एसिड प्रीकर्सर, किसी से भी रिलेट नहीं करता, किसी की भी तरह नहीं दिखाई देता, और ये डायरेक्टली किसी भी वायरल DNA RNA पॉलीमरेज को जा करके इनहिबिट कर देगा और ट्रांसक्रिप्टेज की जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या है रोक देगा, यानी कि RNA से DNA को नहीं बनने देगा, और इस तरीके से ये अपनी एक्टिविटी शो करता है और इसमें फॉस्फोराइलेशन की नीड नहीं रहती इसकी एक्टिवेशन के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतना जल्दी जल्दी इन्हें क्यों पढ़ने लग रहे हैं, तो ये जैसे पायरिमिडीन एनालॉग है, एडेनोसिन एनालॉग है, ऐसे ही सेम यहाँ पे हमने करा था, किसे करा था हमने यहाँ पे ग्वानोसिन एनालॉग्स को करा था। तो ये क्या है, हमने इससे पहले सल्फा ड्रग्स जब पढ़ी थी, सल्फोनामाइड ड्रग्स, तो हमने उसमें पूरा फ्लो चार्ट पढ़ लिया था कि पाबा है, पाबा से फॉलिक एसिड बनता है, उससे THF DHF बनते हैं, उनसे क्या है फिर फर्दर प्यूरिन पायरिमिडीन्स वगैरह बनते हैं,
उनसे न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए वगैरह बनते हैं, तो ये क्या है उसमें हमने पढ़ लिया था, तो इसलिए हमें इसमें नीड नहीं है। बाकी हमें बस इतना पता करना है कि ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है, ये पायरामिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, पायरामिडीन की तरह दिखाई दे रहा है, मीन की वहां पे जाकर के काम करेगा, एनालॉग है उसकी तरह दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह काम करने लग जाएगा, उसको क्या करेगा एक तरीके से कंफ्यूज करेगा, उस तरीके से ये काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस पे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, एक आरएनए वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है। चार टाइप के वायरस होते हैं ये, ए बी सी एंड डी। तो जो ए और बी वायरस है वो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है, और डी जो है वो कैटल वगैरह में होता है, सी का इतना कुछ देखा नहीं गया कि क्या है। तो ये क्या है, कॉमन फ्लू वगैरह जो होते हैं, फ्लू सीजनल फ्लू, उन सब चीजों को कॉज करता है ये, जैसे कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, और कभी कभी वायरल फ्लू हो जाता है पेशेंट्स को, तो डॉक्टर के पास जाते हैं वो, तो इन सब चीजों में ये फ्लू वगैरह कॉज करता है, सीजनल फ्लू। इनमें कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती है, एमेंटाडीन और रिमेंटाडीन क्या है यूज किए जाते हैं, जो कि मिथाइल डेरिवेटिव्स है। ट्राइसाइक्लिक अमीन होते हैं ये किसी भी न्यूक्लिक एसिड प्रिकर्सर से अनरिलेटेड होते हैं। इनका काम क्या होता है, इन्फ्लुएंजा ए की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन करना, और ये बी की नहीं करते, सिर्फ ए की करते हैं, और ये वायरल जो अनकोटिंग है उसे इनहिबिट करते हैं, और जो वायरल की मेम्ब्रेन है, वायरस की मेम्ब्रेन है, वायरल मेम्ब्रेन प्रोटीन M2, उसको इनहिबिट करते हैं। हिपेटिक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें HBV और HCV नाम के दो वायरस होते हैं। HBV बोलते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस को, और HCV बोलते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस को। तो ये जो HBV है वो DNA वायरस है, और जो ये HCV है वो RNA वायरस है। इसमें जो ड्रग यूज की जाती है वो है रिबावीरिन। ये क्या है, एक ग्वानोसिन एनालॉग है, और ये भी क्या करती है, RNA पॉलीमरेज को जाके इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से RNA से DNA नहीं बन पाता, यानी कि DNA के सिंथेसिस को रोक देते हैं। ये RSV ब्रोंकियोलाइटिस एंड निमोनिया इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन में यूज किया जाता है, एरोसोल के थ्रू इस ड्रग को दिया जाता है, ठीक है। और लेजा फीवर में अल्टरनेटिव ड्रग दिया जाता है, इन्फ्लुएंजा पैरा इन्फ्लुएंजा मीजल्स वायरस इन्फेक्शन में दिया जाता है, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एंटीफेरॉन्स का यूज किया जाता है। एंटीफेरॉन्स क्या है, एक नेचुरल प्रोटीन है जो कि होस्ट सेल जो है उन्हीं के थ्रू बनाया जाता है, इम्यून सिस्टम में ये बनता है, मतलब एक तरीके से इम्यूनिटी बोल सकते हैं इसे। तो ये क्या है, ये कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो कि जो भी फॉरेन एजेंट है, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ट्यूमर सेल, कुछ भी है, कैंसर सेल वगैरह, उनको जाकर के क्या है, ये चैलेंज करती है, उनको जाकर के बढ़ने से रोकती है। तो जो एंटीफेरॉन्स ड्रग है वो क्या करते हैं, जाकर के इन्हीं की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, एंटीफेरॉन्स को ही क्या करते हैं, बढ़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, ज्यादा प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, ज्यादा नेचुरल प्रोटीन्स बनेंगे, तो क्या है, नेचुरल किलर सेल्स ज्यादा बनेंगी, मतलब कि एक तरीके से इम्यूनिटी बढ़ने लग रही है पेशेंट की, और जिसकी वजह से वायरस जो है आसानी से पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा बॉडी में। इनकेस उसने पेनेट्रेट कर लिया तो उसमें जो RNA DNA की सिंथेसिस होती है उसे भी ये एंटीफेरॉन्स रोकते हैं। तो ये था इनका। थेरापिटिक यूजेस की बात की जाए तो हेपेटाइटिस बी सी में यूज किया जाता है, HZV इन्फेक्शन इन कैंसर पेशेंट इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, और CMV इन्फेक्शन में रीनल ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट है उसमें, हेयरी सेल ल्यूकीमिया में यूज किया जाता है, एड्स रिलेटेड कैप्सोई सेक्रोमा में यूज किया जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं एंटी रेट्रोवायरस जो ड्रग है उनमें, तो हमने पढ़े थे NRTIs का यूज किया जाता है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसमें कौन कौन से ड्रग आ गए, जीडोवुडीन, डीडेनोसिन, स्टेवुडीन और लेमिवुडीन, ये सब कुछ ड्रग आ गई। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो वायरस के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसमें घुस जाती हैं और न्यूक्लियोइड्स जो है न्यूक्लियोइड्स उनको कॉम्पिटीट करने लग जाती है, जो भी नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको कम्पीट करती हैं, जिसकी वजह से क्या है आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती, उसको रोक देती हैं ये, जिससे RNA से DNA नहीं बन पाता, और क्या है जिसकी वजह से इनकम्प्लीट डीएनए रहेगा और कोई भी न्यू वायरस नहीं बन पाएगा, न्यू वायरस नहीं होगा फॉर्म। ये HIV की रेप्लिकेशन को रोकती हैं, कोई भी न्यू सेल इन्फेक्शन होने लग रही है उसको रोकती है, और कोई भी अगर पहले से इन्फेक्टेड सेल है तो उसको ट्रीट करने में यूज नहीं होती ये, उस पर भी इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ जो सेल
मतलब जिसमें बनने लग रहा है वायरस, इनकॉर्पोरेट हो रहा है उसी में, ये उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाती है और धीरे धीरे अपना एक्शन शो करती है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर यानी कि NNRTIs, इसमें कौन कौन सी ड्रग आ गई, नेविरापीन, डेलाविरिडीन और एफावीरेंज। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये HIV जो है उसकी प्रोडक्शन को रोक देती हैं। कैसे, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमने पढ़ा था ना इसमें, उस पे जाकर के सीधा बाइंड हो जाती हैं और उसी को इनहिबिट कर देती हैं। अब उसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा, RNA से DNA नहीं बनेगा क्योंकि वही सारा का सारा काम करता है, वही RNA को DNA में चेंज करता है, तो जाके उसी को इनहिबिट कर देती हैं ये। और इसमें किसी भी फॉस्फोलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक्टिवेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर में, तो इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ गई, इसमें आ गई सेक्विनावीर, इडिनावीर, नेलफिनावीर, एम्प्रिनावीर, ऐसे ही रिटोनावीर, लोपिनावीर, एटाजेनावीर, ये कुछ ड्रग्स आ गई इनके अंदर। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये HIV प्रोटीएज एंजाइम को जाकर के इनहिबिट करती हैं। अब जो ये HIV प्रोटीएज एंजाइम है, ये क्या है, एक वायरल एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, पॉलीप्रोटीन्स जो होते हैं उनकी क्लीवेज करवाना, उनसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाना, पॉलीप्रोटीन से क्लीवेज करके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाना। तो प्रोटीएज इनहिबिटर क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे जा करके बाइंड अप हो जाएंगे। बाइंड अप होने के बाद क्या करेंगे, जो इनकी क्लीवेज है उनको रोक देंगे, जिसकी वजह से वायरल प्रोटीन्स बन ही नहीं पाएंगे। अब वायरस के लिए प्रोटीन ही नहीं बन पा रहा है, कोई वायरल प्रोटीन ही नहीं बन रहे, कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन ही नहीं बन रहे, तो क्या है, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ क्या है, रुकने लग जाएगी, सप्रेस हो जाएगा, आगे कोई भी उसकी कॉपी नहीं बन पाएगी, रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से ये क्या है, HIV को प्रिवेंट करने में यूज किया जाता है, और ये सक्सेसफुली HIV वगैरह को प्रिवेंट करता है, और जो पहले कोई भी रिलीज फॉर्म में इन्फेक्टेड सेल है उसको भी प्रिवेंट करता है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने एंटीवायरल ड्रग्स को कवर कर लिया है इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।